जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जो 36 फैड बठिंडा से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसके रिजल्ट और इसके कट ऑफ के बारे में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले, यदि दोस्त आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको पहले इसकी कट ऑफ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो इसकी कट ऑफ है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 125 और 130 के बीच में रहने वाली है। जिस भी कैंडिडेट्स के जो जर्नल में आता है उसके इतने नंबर बन रहे हैं तो उसका जो है सिलेक्शन वो हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो जिसके भी नंबर 120 प्लस यहाँ पर बन रहे हैं तो उसका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स की, तो जिसके भी यहाँ पर 110 प्लस नंबर जो है वो बन रहे हैं तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब की बार जो इसकी कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट है वो बहुत कम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट्स है वह बहुत ज़्यादा है। जो इसकी ट्रेडमैन मेट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर इसकी पोस्ट है वो थोड़ी बहुत अधिक है, लेकिन बाकी पोस्ट की जो कट ऑफ है बहुत हाई जाने वाली है। तो दोस्तों, चलो अब हम आपके को इसके रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि लास्ट वीक जो इसकी रिजल्ट की जो कई वीडियो वायरल हुई थी वह फेक थी, जो वह लिस्ट थी वह फेक थी। इसका आप कैसे पता लगाएंगे, आज हम आपको बताते हैं। जो वो लिस्ट थी दोस्तों, उसका जो यहाँ पर नंबर था, ये नंबर और इस जो भर्ती का ये नंबर है वो अलग अलग है, यह आप देख सकते हो। इससे पता चलता है कि वो लिस्ट थी जो फेक थी। तो दोस्तों, जो उसका रिजल्ट है वो अब जल्द ही जारी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो अभी तक जारी हो जाता, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण है जो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ। तो दोस्तों, जो यह रिक्रूटमेंट होती है सिविलियन की, इनका एक रूल होता है कि कोई भी पेपर का जो रिजल्ट होता है वो 6 महीने के अंदर इनको देना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 महीने से अधिक इनको हो गए हैं, तो जो इसका रिजल्ट है अब नेक्स्ट मंथ है जो इसका रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है। तो दोस्तों, जो इसका रिजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि अभी इनको 4 महीने हो चुके हैं और जो इनकी पोस्ट थी जैसे मेटेरियल असिस्टेंट, एमटीएस गार्डलर मैसेंजर, इनका सबका पेपर है जो वो हो चुका है और इनका रिजल्ट है वो इकट्ठा ही आएगा। तो दोस्तों, आप टेंशन मत ले, जो इसका रिजल्ट है वो आने वाला है। और दोस्तों, आप इसके भरोसे नहीं बैठे रहे, क्योंकि यह एक ऑफलाइन भर्ती थी जिसका प्रोसेस बहुत लंबा चल सकता है। आप अपनी और भर्तियों की तैयारी करें, आप इसके भरोसे पर मत बैठे रहे। तो दोस्तों, जो इसका रिजल्ट है वो अभी आने वाला है, जो नेक्स्ट मंथ में इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। आपको पता होगा जो AOC
ट्रेड मैन मेट का जो पेपर हुआ था वो इसके साथ ही हुआ था 22 सितंबर के आसपास, उसका भी अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों जो ये सिविलियन पोस्ट होती है ऑफलाइन, इनका जो प्रोसेस है भर्ती का वो बहुत लंबा चलता है, तो आप टेंशन मत लो, जो सा रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। और दोस्तों आप टेंशन मत ना ले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी रिज़ल्ट आएगा हम सबसे पहले आपको इस चैनल पर आपको रिज़ल्ट बता देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, दोस्तों जय हिंद।